गैशियस एक्सचेंज को हम पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर. हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है. हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, या हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स. ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से हो रही है और वो कौन से ऑर्गन्स हैं या कौन सी सर्फेसेस हैं, किस तरह से रेस्पिरेशन जो है वो कैरी आउट होती है. जैसे कि हमने प्लांट्स की जब बात की थी तो हमने कहा था कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते और एनिमल्स के अंदर होते हैं. तो एनिमल्स के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो है वो लंग्स प्रेजेंट है. ठीक, इसी तरह कुछ और हायर जो हमारे पास बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी ऑन होता है. ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन यानी कि जैसे लंग्स होंगे, इस तरह से कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन एक रेस्पिरेशन का सिस्टम पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है. और चाहे वो नॉन इनवर्टिब्रेट्स हो जाएं या फिर वर्टिब्रेट्स हो जाएं, दोनों के अंदर रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास जो सर्फेसिस यूज़ होती हैं वो उनकी मोस्टली या तो उनकी स्किन होती है या फिर लंग्स की सर्फेस यूज़ हो रही है. और ढेर सारी कैपिलरीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, कैपिलरीज जिसके थ्रू इनकी जो वॉल्स होते हैं जिनके थ्रू रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की तो हम ये देख लेते हैं कि कुछ खास खसूसियात होती हैं रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की जिसकी वजह से वहाँ पे रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है. ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग की. तो फ्रॉग के अंदर ऐसे होता है कि रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स वगैरह उनके जब प्रेजेंट, जब उनके लंग्स एक्टिव नहीं होते यानी कि हाइबरनेशन का उनका पीरियड है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू भी हो जाती है. ठीक है, इसी तरह और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो रही है. ठीक है, तो स्किन की भी एक सर्फेस है. तो ऐसी वो कौन सी सर्फेसिस हैं या ऐसी वो कौन सी सर्फेसिस हैं जिसके अंदर ऐसी वो कौन सी खसूसियात हैं जिसकी बिना पर वहाँ पर रेस्पिरेशन पॉसिबल है, उसको हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर. को हम हेडिंग ये देते हैं कि ये है प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस, प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस. ठीक है, रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वहाँ पे गैशियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होता है. जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, हमारे पास फोर बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं. पहली प्रॉपर्टी हम कहते हैं लार्ज सरफेस एंड मॉइस्चर. ये पहली प्रॉपर्टी है रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की. लार्ज सर्फेस एरिया का क्या मतलब है कि सरफेस एरिया यानी कि जो एरिया इन कॉन्टैक्ट विद एयर होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, जब हम लंग्स की बात करते हैं कि तो लंग्स के अंदर बेसिकली एयर के छोटे छोटे सैक्स बने हुए होते हैं और इसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है ताकि रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो ज़्यादा हो सके. ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने देख ली मॉइस्चर. मॉइस्चर क्यों होता है? मॉइस्चर इसलिए होता है बिकॉज ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. ठीक है, दो चीज़ें हमने देखी. एक हमने कहा लार्ज सरफेस एरिया, तो लार्ज सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली गैसेस एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा. तो हम कहते हैं कि इसकी वजह से मोर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होगा, गैसेस एक्सचेंज. और जब मॉइस्चर होगा तो क्या होगा कि हमारे पास लेस फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन कम होगी तो रेस्पिरेशन का जो या एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो सकेगा. ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉपर्टी देख ली, लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर. सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए और मॉइस्चर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है ताकि रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो पॉसिबल हो सके. इसके अलावा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि थिन एपिथेलियम, थिन एपिथेलियम. एपिथेलियम क्या चीज़ है? एपिथेलियम हम कहते हैं ये स्किन की वो लेयर है जिसके अक्रॉस जो है वो रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो रही है. ठीक है, यानी कि अगर अगर हम लंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की अगर हम एग्जांपल लें और उसके अंदर हम लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग्स के अंदर जब हमारे पास छोटे छोटे एयर सैक्स बने होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं, आगे लेटर हम अपने चैप्टर के अंदर भी देखेंगे, तो जो वो जो एयर सैक्स प्रेजेंट हैं
उनकी जो ये लेयर रिप्रेजेंट है, ये वाली जो लेयर होती है ये थिन होती है. थिन इसलिए होती है ताकि यहाँ बाहर जो है वो एयर है और अंदर जो है वो इसके अंदर हमारे पास गैसेस प्रेजेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर से आई हैं. ठीक है, तो इनके अंदर जो एक्सचेंज होना है ये एक्सचेंज ईजिली पॉसिबल हो सके. ठीक है, इसके अंदर और बाहर गैसेस ईजिली डिफ्यूज़ हो सके. ठीक है, अगर ये मोटी लेयर होगी तो क्या होगा कि गैसेस एक्सचेंज इतना अच्छी तरह से या एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं होगा. इसीलिए ये जो लेयर है इसका पतला होना या थिन होना ज़रूरी है. ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो होगा एयर का और इसके अंदर जो दूसरी गैसेज हैं उनका कम होना चाहिए. मोस्टली जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि तकरीबन जो इसकी मोटाई है या इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो तकरीबन टू सेल्स थे. ये टू सेल्स की इसकी जो विड्थ है वो होती है इतनी इतनी, यानी कि ये बारीक लेयर होती है और इसी वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो ईजिली हो जाती है. ठीक है, तो ये हमने देख लिया थिन एपिथीलियम. एपिथीलियम बेसिकली हम इस लेयर को कह रहे हैं. इसके बाद हमारे पास थर्ड एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे हम कहते हैं वेंटिलेशन. वेंटिलेशन, जैसे कि अगर आप एक कमरे की बात की जाए तो उसके अंदर वेंटिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, रोशनदान बनाते हैं या खिड़कियाँ बनाते हैं. ठीक है, इसी तरह से जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है या फिर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास वेंटिलेशन का एक प्रोसेस होना ज़रूरी है. वेंटिलेशन इस तरह इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ताकि हमारे पास एक ग्रेडियंट बन सके. ठीक है, ग्रेडियंट हम किसे कहते हैं, ग्रेडियंट हम इस तरह से कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर हमारे पास एक ऑक्सीजन या एक कोई भी गैस ज़्यादा है तो दूसरी जगह पर वो गैस कम होगी. ठीक है, ऐसे ही है ना, जब हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे एल्वियोलाई की बात की है, एल्वियोलाई. ठीक है, एल्वियोलाई की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि हमें, हम जानते हैं कि जो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर से आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है और जो एयर बाहर से आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा है. ठीक है, तो एक ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो गया ना, एक जगह पे एक चीज़ ज़्यादा है दूसरी जगह पे दूसरी चीज़ ज़्यादा है. तो क्या होता है कि हमारे पास जहाँ पे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होती है वहाँ से जहाँ ऑक्सीजन गैस कम, जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन गैस बाहर एयर में ज़्यादा है जबकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ से वो कम की तरफ मूव करती है. ठीक है, और इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं. ठीक है, तो वेंटिलेशन जो है वो उसका होना ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से कम की तरफ, यानी कि ये जो ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हुआ हुआ है वहाँ पे हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो सके. ठीक है, तो ये हमने देख लिया वेंटिलेशन. इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं कैपिलरी नेटवर्क. कैपिलरीज क्या चीज़ें हैं, जब हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास वेन्स हैं और आर्टरीज प्रेजेंट हैं. वेन्स हैं और आर्टरीज हैं, तो ये जो वेन्स और आर्टरीज हैं बेसिकली होती क्या है, ये हमारे पास डक्ट्स होती हैं, ऐसी नालियां होती हैं जिनके अंदर से हमारे बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड जो है वो मूव करता है. ठीक है, तो ये जो डक्ट्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर थ्रू आउट प्रेजेंट होती हैं और जब ये स्किन के ऊपर या सेल लेवल तक पहुंचती हैं तो क्या होता है कि ये डिवाइड और रीडिवाइड होती जाती हैं. इस तरह से इनकी ब्रांचेस बनती जाती हैं और ये डिवाइड रीडिवाइड हो के इतनी पतली ब्रांचेस बन जाती हैं जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज. ठीक है, इस तरह से ये डिवाइड होती जाती हैं ताकि हर सेल तक ये जो फ्लूइड है या ब्लड है ये पहुंच सके और वहाँ से उसके थ्रू ऑक्सीजन गैस पहुंच सके और इसी तरह हर सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को ये वापस लेके आ सके. तो उसके लिए ये जो नालियाँ हमने कही या जो डक्ट्स हैं ये डिवाइड रीडिवाइड होती जाती हैं, तो अल्टीमेटली ये जो पतली सी एक एंड पे हमारे पास एक चीज़ बनती है, एक डक्ट बन जाती है, उसे हम कहते हैं, वो है हमारे पास कैपिलरीज. यहाँ बनने में तो ये मोटी मोटी बनी है बट अदरवाइज़ ये बहुत ही बारीक नालियाँ होती हैं जिसके अंदर से होता क्या है कि जो ब्लड है वो हमारे एंड ऑर्गन्स तक या एंड सेल्स तक और टिश्यूज तक पहुँच सकता है. अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स के आखिरी सेल्स तक, उन सेल्स तक जहाँ पे हमने बात की, जैसे ये एल्वियोलाई है. ठीक है, तो एल्वियोलाई के अंदर ये जो एल्वियोलाई है ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज होता है, यानी कि अंदर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं. और ब्लड कैपिलरी का, कैपिलरी नेटवर्क होने का मतलब क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि जितनी ज़्यादा कैपिलरीज होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होगा.
ठीक है। ये ऑब्वियसली बात है कि जब हमारे पास कैपिलरीज ज़्यादा हैं तो इनके अंदर बॉडी फ्लूइड ज़्यादा होगा, और हमने बात की है कि सरफेस एरिया तो हमें ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये जो हमने कहा था कि लार्ज सरफेस एरिया, तो क्या होगा कि लार्ज सरफेस एरिया है हमारे पास और कैपिलरीज ढेर सारी हैं, तो क्या होगा जो बाहर की गैसेज हैं, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ बाहर ढेर सारी ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और कैपिलरीज के अंदर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ऑक्सीजन गैस ने इस इन कैपिलरीज के अंदर एंटर होना है, तो अगर ये कैपिलरीज ज़्यादा होंगी, इनका ढेर सारा बड़ा सा नेटवर्क होगा, मेश बना हुआ होगा, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो इनके अंदर एंटर हो सकेगी। और अगर हमारे पास एक ही कैपिलरी प्रेजेंट हो, लेट सपोज एक ही कैपिलरी हमारे पास ये रन करी है, ठीक है, तो और हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन गैस है, तो कितनी इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर हो सकेगी, उतनी ही हो सकेगी जितनी इस जितना इसका ये एरिया है, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकेगी ना। तो जितनी ज़्यादा कैपिलरीज होंगी उतना हमारे फ़ायदा होगा, या उतना हम कह सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा हो सकेगा, ठीक है, या उतनी ही डिफ्यूजन जो है वो इसके अंदर ज़्यादा हो सकेगी। तो ये हमने देख ली कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर होना ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, तो लंग्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें, ये चारों प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। लार्ज सरफेस एरिया होता है हमारे पास, एपिथेलियम थिन होता है, वेंटिलेशन का एक नेचुरल निज़ाम प्रेजेंट होता है, और कैपिलरीज का ढेर सारा नेटवर्क होता है। जब हम स्किन की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमने कहा कि स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होती है, तो उसके अंदर भी इसी तरह से है कि स्किन के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर लार्ज सरफेस एरिया होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उन ऑर्गेनिजम्स के स्किन के ऊपर, और उनकी जो एपिथीलियम है, ये जो स्किन की बाहर की लेयर होती है, वो इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि उसके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी ऑन हो सकता है। और इसके अलावा वेंटिलेशन का जो निज़ाम है वो उनके बॉडी के अंदर होता है, और कैपिलरीज जो है उनकी स्किन के अंदर ढेर सारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया रेस्पिरेटरी सर्फेसिस की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे चले जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जिसके अंदर हम डिफरेंट एनिमल्स के, जैसे कि हमारे पास हाइड्रा हो गया, अर्थवॉर्म, कॉकरोच हो गया, या फ्रॉग हो गया, हम इन ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को वन बाय वन देखते जाएंगे कि इनके अंदर रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो किस तरह से हो रही है।